हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। आज हम लोग पार्टी मेकअप शेयर करेंगे, होली पार्टी मेकअप। आज मैं वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। जैसे अक्सर होली हो जाएगी उसके बाद पार्टी तो होती ही है होली की, तो उसमें जाने के लिए हम लोग मेकअप करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं अपने फेस को टोन कर लूँगी। जो आपके पास प्रोडक्ट हो आप उन्हीं के साथ मेकअप करिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल जो चीज़ें आती हैं, प्रोडक्ट आते हैं, मैंने उन्हीं के साथ मैंने किया है। जो बहुत कम मेकअप करते हैं ये उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हेल्पफुल होगा। वो लोग इन सब चीज़ों से मेकअप कर सकते हैं अच्छे से। ये सूख गया है। 2 मिनट बाद अब मैं इसको मॉइस करूँगी बायोटिक नेक्टर मॉर्निंग नेक्टर लोशन से। डे मेकअप है तो सनस्क्रीन भी लगाऊंगी मैं। आपको जो भी लगाना है उसके 2-2 मिनट बाद ही, 1-2 मिनट बाद ही कुछ दूसरी चीज को लगाना है अपने फेस पर। मैं लोटस का जेल सनस्क्रीन लोशन लगाऊंगी। थोड़ा ही लूंगी ही, हल्का मेकअप करना है मुझे, ज़्यादा नहीं करना है। तो आप लोग को भी अगर हल्का सा मेकअप करना है, ज़्यादा नहीं आता है, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मेकअप है। आप आराम से करके जा सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अब मैं प्राइमर लूंगी, ये वाला मैं पतंजलि का ही लगा लूंगी, एलोवेरा जेल। आपके पास जो भी हो आप वो प्राइमर ले सकते हैं, नहीं तो ये इजीली मिल जाता है, घर में रहता ही है। अगर ये आपके पास ना हो तो आप फ्रेश एलोवेरा जो लीव होती है आपके पास लगी हो, अगर पेड़ लगा हो तो उससे आप तोड़ कर लगा सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको यूज़ करें वो उसको आप 2 मिनट के बाद ही कोई दूसरी चीज़ को अप्लाई करना है आपने। के बाद हम जो भी चीज लगाएंगे, पॉन्ड्स बीबी क्रीम में लगाऊंगी तो उसको ज्यादा अंदर नहीं जाएगी, इसलिए प्राइमर लगा रही हूँ, ओपन पोर्स के अंदर नहीं जाएगी। मैं लैक्मे परफेक्टिंग फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। इसको पहले हम शेक कर लेंगे। अगर आपके पास है ये वाला फाउंडेशन तो आप इसके साथ कर सकते हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कोई भी बीबी क्रीम या कोई भी और फाउंडेशन के साथ। थोड़ा थोड़ा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, डॉट डॉट करके आपको लगा लेना है सारे फेस पर।
से ही ब्लेंड कर लूंगी, मैं कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज करूंगी, क्योंकि जो कम मेकअप करते हैं उनके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होता है। और आपके पास है तो अच्छी बात है, तो आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है अब अच्छे से। इसी तरह से आपको अच्छे से कर लेना है, बिल्कुल ब्लेंडिंग में आपको टाइम देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो क्रीज लाइन बन जाती है, इसलिए अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है आपको। कॉम्पैक्ट है ये, मेरा शेड है पर्ल। मैं इससे ही लगा लूंगी अच्छे से, हल्का ही लगाना है मुझे, ज्यादा नहीं लगाना है क्योंकि अभी इतनी ज्यादा गर्म नहीं है, ज्यादा गर्मी नहीं आई है, इसलिए हल्का ही टच दूंगी। नेक पर भी जरूर लगाइएगा। अब मैं आईब्रो फिल करूंगी ADS पेंसिल से, ये ब्लैक पेंसिल है। आप पेंसिल से करना चाहे तो पेंसिल से भी कर सकते हैं, अगर आप इससे करना चाहें जो जो जेल आता है, पाउडर आता है, उससे भी कर सकते हैं, और ब्राउन पेंसिल से भी कर सकते हैं। पेंसिल से ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती है, मैं पेंसिल से ही कर लेती हूँ। अब मैं आई शेडो यूज़ करूँगी, ये मैंने ब्लू हेवन का यूज़ कर रही हूँ मैं, आपके पास जो हो वो यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल आता है, 75 रुपीज़ में ये आ जाता है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसको भी बाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हैं, शिमरी कलर्स हैं ये, क्रिस्टल
क्रीमी बेस कलर है, इसलिए ये नीचे नहीं आएंगे, फॉल आउट नहीं होते हैं नीचे की साइड, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं इसमें से ये वाला ब्लू कलर यूज कर लूँगी। लगा लिया है, मैं एक ही कलर यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस एक ही कलर में है, बस इसमें गोल्डन है ये, तो मैं सिर्फ लाइट कलर ही यूज कर रही हूँ, लाइट ब्लू। इस तरह से आपको हाथ से लगा लेना। अब मैं काजल लगाऊंगी, लैक्मे का, लैक्मे आइकॉनिक काजल है ये, मैं यही लगा रही हूँ। मैं ये काजल ऊपर भी लगा लूंगी। पतला सा ड्रॉ कर लूंगी मैं। इस तरह से मैं लगा लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने काजल लगा लिया है, अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। ये भी ब्लू हेवन का ही है क्योंकि मैं अफोर्डेबल मेकअप ही प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने ये लगा रही हूँ, ये वाला मस्कारा। आप जो आपके पास है आप वो भी लगा सकते हैं। जो बहुत कम मेकअप करते हैं ये उनके लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल होगा ये वीडियो। आप ये काजल इसके ऊपर भी, अपर लोअर लेस पे लगा दें, अपर लेस पे भी लगा लेना है आपको ऊपर से, तो ये आपकी आईज और बड़ी बड़ी दिखाई देंगी। अगर आपके पास वाइट काजल है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं आप लोग। अब मैं एन वाई वे की लिपस्टिक लगाऊंगी, मैं पिंक कलर लूंगी। अगर आप लिप बाम में ही लगा लेते हैं, लिप बाम के ऊपर ही, तो आपके लिप्स है ना जो हाइड्रेट रहेंगे। अगर आपकी वाटर प्रूफ
लिपस्टिक है तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होती है वो। तो मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो आपको ये मेकअप कैसा लगा, किस तरह आपको ये वाली बहुत कम प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप किया है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कीजिएगा। और जो नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेड बटन होता है उसके पास, आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब हो जाएगा, फिर आएगी बेल आइकन, फिर बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए तो बेल आइकन से आपके पास नोटिफिकेशन मेरे नई वीडियो का पहुंच जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक लाइक देना ही बनता है आप लोगों का। बाय।